Hello everyone. Now we will discuss about present perfect continuous tense. Present you already know, वर्तमान. Perfect continuous क्या होता है? Perfect क्या है? जिसमें कोई काम खत्म हो चुका है. But in the perfect continuous, some work has started in the past. कोई काम पहले से आपका start हुआ है लेकिन अभी भी वो complete नहीं हुआ है, उसका कुछ काम बाकी रहता है. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Present perfect continuous tense. इसमें आप आइडेंटिफिकेशन में ये भी ले सकते हो, से रहा है, से रहे हैं, से रही है, लाइक दिस. अफर्मेटिव में अब इसकी फॉर्मेशन कैसे रहेगी? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में हैज हैव के साथ हम नोट लगा देंगे, बाकी फॉर्मेशन हमारी सेम रहेगी. इंटरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो पहले आ जाएंगी, प्लस सब्जेक्ट देन बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन. इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि समटाइम्स स्टूडेंट डिड दिस मिस्टेक, मीन्स नॉर्मली ये मिस्टेक मैंने देखी है कि स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, वाइल वी विल मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैज हैव हमने पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम बीन का यूज़ करेंगे. हैज हैव के साथ ही आपने यहाँ पे बीन नहीं लगाना, क्योंकि इंटरोगेटिव और नेगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप यहाँ पे ध्यान रखना. इसमें भी जैसे हैज़ नोट बीन ऐसे यूज़ किया है हमने, यहाँ पे बीन देखो नोट के बाद गिवन है, और यहाँ हमारा बीच में सब्जेक्ट आएगा तब हम बीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ आप इसमें नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू. अब एग्जांपल देखिए, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2001, हम इस सिटी में 2001 से रह रहे हैं. अब भी आप वहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, लेकिन कब से रह रहे हो? 2001. एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है आपको, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए उसने क्या यूज़ किया है? सिंस का. और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फोर. तो इस तरह से टाइम नॉर्मली वो दे के रखता है इस तरह के सेंटेंसेस में, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा हमें यूज़ करना होता है. सीधा एग्जाम्पल्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, और ही शी इट एनी नेम अगर सिंगुलर होगा उसके साथ हम हैज का यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू साइन ऑफ इंटरोगेशन, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, हैव वी बीन वेटिंग फॉर यू साइन ऑफ इंटरोगेशन. सेम इन दीज टू ऑल्सो. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, आई वी यू दे के साथ हैव, और ही शी इट एनी नेम के साथ has का हमने use करना है. Now the question arises where we will use present perfect continuous tense, कि किस किस condition में हम इस tense का use करेंगे. Let us have a look. Uses of perfect present perfect continuous tense. Used for an action that began in the past and is still continuing. कोई ऐसा action जो past में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी वो continuation में है, चल रहा है वो. They have been trying to contact her. वो से contact करने की कोशिश कर रहे हैं. Your dogs have been barking since early this morning. आपके जो dogs हैं सुबह से भौंक रहे हैं, early morning से भौंक रहे हैं. It has been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही है. Used for an action that began and just finished in the past. उस action के लिए भी use किया जाता है जो शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, इन द पास्ट, जस्ट फिनिश्ड इन द पास्ट. थैंक गुडनेस यू हैव अराइव्ड, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, माय हैंड्स आर वेरी डर्टी एज आई हैव बीन रिपेयरिंग द कार, व्हाई डिड यू नॉट आंसर योर फोन, हैव आई हैव बीन कॉलिंग यू. सो इन दीज सेंटेंसेस जो आपका काम है वो आपने शुरू किया और वो ख़त्म भी हो गया, तो इन दीज केसेस वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. देन यूज्ड विदाउट मैंशन ऑफ टाइम, कि बिना अगर टाइम नहीं गिवन है, विदाउट मैंशनिंग टाइम कैसे यूज़ करेंगे हम उसको. दे हैव बीन हैविंग अ लोट ऑफ डिफ़िकल्टीज विद देयर न्यू कंप्यूटर सिस्टम. डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट इज़ नॉट ओवर. जो कहते हैं दे हैव बीन हैविंग अ लोट ऑफ डिफ़िकल्टीज, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं विद देयर न्यू कंप्यूटर सिस्टम,
उनके नए कंप्यूटर सिस्टम्स में. दिस इज़ द सेकेंड जिग्सो वी हैव बीन प्लेइंग. अ पार्टी ऑफ रेस्क्यूअर्स एंड वॉलंटियर्स हैज़ बीन लुकिंग फॉर द मिसिंग. देन द लास्ट पॉइंट, यूज्ड विद ऑल डे ऑल इवनिंग ऑल वीक टू इंडिकेट ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी एंड एडवर्ब सच एज लेटली एक्सेट्रा. ठीक है, जहाँ पे ये वर्ड गिवन होंगे लेटली, ऑल डे ऑल इवनिंग ऑल वीक, तो उस केस में भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करना है. देखिए यहाँ पे, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम टूथैक ऑल डे. ऑल डे गिवन है तो हमने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. सेम इन दिस वन, ऑल नाइट इज़ गिवन. द पार्टी हैज़ बीन गोइंग ऑन ऑल नाइट. आई हैव बीन फीलिंग इल लेटली. तो जहाँ पर आपको ऑल डे ऑल इवनिंग ऑल वीक लेटली मिले, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का. तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. और जो इन टेंस से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेस गिवन है पेज नंबर 89 पे, 90 और थोड़ा सा पार्ट 91 पे भी गिवन है. ये आप सॉल्व करोगे एंड आई विल प्रोवाइड यू द आंसर की ऑफ द प्रीवियस वन. जो आपने पहले एक्सरसाइज सॉल्व की है, आप वहाँ से मैच कर लेना उसको. और बेटा अपना काम टाइमली कंप्लीट करके अपने टीचर्स को सेंड किया करो, जो भी अलॉटेड डेज हैं आपके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.